Hello everyone and welcome again to Dermatology Online with me, Dr. Varpa. As you all know, you leave comments and messages and we read about them and aapko accordingly answer karte hain. Let's see, aaj hum kisko select karte hain. Okay. Zeba Ali from Gujranwala has emailed me. She's saying, I've been doing hair removal laser for the past 3 months. I have done 2 sessions and I don't see satisfactory result, and why is that so? Okay Zeba, first to aapne sirf 2 sessions kiye hain, but yes, biological factor does affect your hair removal laser ka results, theek hai? It can be your hormonal imbalance और हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, सच एस अगर आपको PCO है, पॉलीसिस्टिक ओवरी, ठीक है, तो उसमें आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं एंड यू वोंट गेट द सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट बिकॉज आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा, तो भी प्रॉब्लम होगी. सो अगर आपको लगता है कि आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे, तो यू कैन आस्क योर डॉक्टर टू राइट इट डाउन फॉर यू एंड आपका हार्मोनल ऐसे चेक करें. आप खुद ही देख लो, आप सीरम टेस्टोस्टेरोन चेक कर ले एंड टेक इट टू योर डॉक्टर एंड सी इफ इट्स हाई. एंड यू नीड ट्रीटमेंट मेडिकेशन लेजर करने से पहले, बिकॉज अगर वो हाई होगा तो आपके लेजर का कोई फायदा भी नहीं होगा हेयर लेजर का, ठीक है? एक तो ये है एंड सेकेंडली, यू नो, 4 to 6 sessions लगते हैं टू सी गुड रिजल्ट. ऑलमोस्ट 70-80% रिडक्शन हो जाती है 4 to 6 sessions में. हर सेशन 4 weeks अपार्ट होता है, ठीक है? आपको जब आप हर ट्रीटमेंट में जब आप करते हो, तो आपको लगता है कि आपके बाल फिर से ग्रो हो रहे होते हैं, शेडिंग फेज होता है एंड देयर लाइफलेस हेयर जिसको आपके बॉडी ने कास्ट आउट कर दिया होता है. सो वो लाइफलेस हेयर होता है एंड दे शेड ऑफ इट सेल्फ. फिर उसके बाद जो बाल होते हैं वो आपके दूसरे लेजर के लिए होते हैं. सो 4 to 6 sessions में आपको 70-80% रिडक्शन दिख जाती है, बट अभी भी टू अर्ली है कि आपने सिर्फ 1-2 sessions ही किए हैं, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा भी फील नहीं हो रहा, तो इट्स आप प्लीज़ अपने हार्मोनल ऐसे करें और अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़रूर चेक करें. प्रॉब्ली वो प्रॉब्लम होगी अगर आपके फैमिली में अगर PCOs है, तो यू शुड लुक इनटू दैट ट्रीटमेंट फर्स्ट, फिर लेज़र करें. आई होप दिस हेल्प्स. अगर कुछ और पूछना है तो प्लीज़ फिर से ईमेल कर लीजिएगा एंड दैट्स इट.